नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं एक खास खबर से। मोदी बाइडेन की गजब की जुगलबंदी, हाथ पकड़कर कोणार्क के चक्र के बारे में बताते दिखे पीएम। राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आगाज हो गया है। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया और अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने का ऐलान किया। पीएम ने बाइडेन को दिखाया कोणार्क चक्र। पीएम ने जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ मिलाकर स्वागत किया, दोनों काफी खुश दिखे। पीएम इसके बाद बाइडेन का हाथ पकड़कर मुड़े और उन्होंने पीछे लगे कोणार्क चक्र का चित्र दिखाया। प्रधानमंत्री इसके बाद बाइडेन को कोणार्क चक्र के बारे में समझाते दिखे। मोदी इसके गोल आकार पर इशारा करते हुए अंदर की तीलियों के बारे में बताते दिखे। कोणार्क चक्र इसलिए है खास, कोणार्क चक्र हमारी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। इस चक्र का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा देव प्रथम के शासनकाल में किया गया था। यह चक्र सभी ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज में देखा होगा और यह भारत के प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तु शिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। घूमता हुआ कोणार्क चक्र कालचक्र के साथ साथ देश की प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। यह लोकतंत्र के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलेपन और समाज के प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।